क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि गोजू सातारू अभी तक नहीं मरा है। हाँ, आप लोग ने सही से सुना है कि गोजू सातारू का अभी तक डीएड नहीं हुआ है, क्योंकि इस वाले चैप्टर को ढंग से पढ़ने के बाद में मैंने इतनी सारी चीजें नोटिस करी है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक गोजू सातारू जिंदा है। अगर हम थोड़े से टाइम के लिए चैप्टर को साइड में रख के भी सोचे तो भाई गोजू को मरना इतना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि वो बंदा हॉर्नेड वन है यार। गोजू का मरना मतलब जेजेके सीरीज के लिए काफी ज्यादा बड़ा डाउनफॉल होने वाली चीज है, क्योंकि फिलहाल तो गोजू एक ही ऐसा बंदा है जो कि सुकोनो को हराने की ताकत रखता है। भाई गोजो का एक ही अटैक से मरना थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसी चीज हो जाती है कि भाई महोरागा ने एक अटैक करा और गोजो के दो टुकड़े हो गए। तो चलो अभी सीधा मांगा के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। अगर हमने मांगा के स्टार्टिंग में देखा होगा तो हमको थोड़ा सा फ्लैशबैक टाइप चीजें दिखाई जाती है, जो कि गोजो की आफ्टर लाइफ वाला सीन लगता है, जहाँ पर गोजो सब मरे हुए बंदों से बात कर रहा होता है कि तुम्हारे लास्ट मोमेंट्स कैसे थे। वहां पर जब गोजो की सबके साथ कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है तो वो सबको सायोनारा बोलता है, लेकिन वहां पर गोजो जिन लोग से बात कर रहा होता है वो लोग तो ऑलरेडी डेडी होते है ना, तो उन सभी को गुड बाय बोलने का मतलब यह है कि गोजो वहाँ पर उनके साथ में नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर यही बात साबित होती है कि गोजो उन लोग के साथ में आफ्टर लाइफ में नहीं रहने वाला है, वो उन लोग को गुड बाय बोल के रियलिटी में वापस आने वाला है। तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पर गोजो के तो दो टुकड़े हो चुके हैं तो वो वापस कैसे आ सकता है। तो आपको पता ही होगा कि जब गोजो ने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक पहली बार यूज करी थी तोजी के खिलाफ में, तब गोजो तोजी को बोलता है कि तुम्हें ना मेरे हेड पे मारना चाहिए था, अगर तुम मेरे बॉडी को छोड़ के मेरे हेड को निशाना बनाते तो शायद से मैं अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पाता। तो इसका मतलब यहाँ पर गोजो अभी भी अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने आप को हील कर सकता है। जब तक गोजो का ब्रेन सही सलामत है तब तक गोजो के बचने के चांसेस कई ज्यादा गुना बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पर गोजो अपने आप भी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पाता है फिर भी यूता सही टाइम पे जाके गोजो को बचा सकता है, बस वहाँ पर फाइट के अंदर जाके किसी को सुकुना को बिजी करना पड़ेगा, तब तक यूता अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके गोजो को हील कर सकता है। और अगर हम ध्यान से देखे तो वहाँ पर गोजो के दो टुकड़े होने के बाद भी वहाँ पर गोजो थोड़ा सा हंस रहा है, ऐसा लग रहा है कि गोजो अभी भी जिंदा है और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आई है। और इतना कुछ होने के बाद भी हमको सीधा चैप्टर के एंडिंग में लोटस फ्लावर दिखाए जाते हैं, जो कि ऑथर ने वहाँ पर ऐसे ही नहीं डाले क्योंकि उसका भी कुछ मीनिंग है। अगर आपको पता होगा कि जो गोजो का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है गॉड बुद्धा से, इसलिए गोजो वहाँ पर बोलता है कि मैं हॉनर्ड वन हूँ। अगर यही पर बात करें हम लोटस फ्लावर की तो लोटस फ्लावर रिप्रेजेंट करता है रिबर्थ को, तो इसका मतलब यहाँ पर गोजो का रिबर्थ हो सकता है। और गोजो का एकदम से मर जाना थोड़ा सा ऑड भी लगता है, क्योंकि लास्ट चैप्टर के एंडिंग में गोजो को विक्टर बता दिया था कि गोजो इस वाले बैटल का विनर है, और इस वाले चैप्टर के अंदर ऑथर ने पूरे के पूरे वक्त बदल दिए, भाई जो मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर था उसकी बैंड बजा दी। तो अभी भी यहाँ पर 50-50% चांसेस है कि भाई गोजो जिंदा भी रह सकता है, गोजो का डीएंड भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है ऑथर पे। क्या पता भाई ऑथर के मूड स्विंग्स हो जाए, वो सीधा गोजो को ही उड़ा दे या यूता को ही उड़ा दे, उसका तो पता ही नहीं भाई। तो इस बात की सच्चाई तो हमको सीधा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही पता चलेगी, जहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर कोई भी ब्रेक नहीं है, तो भाई काफी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या गोजो सच में वापस आ पाएगा? अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।